वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मानसी। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी टेबल है जो कि बहुत पुरानी हो गई है और आप उसको देख देख के अब बोर होने लगे हो, तो उसको रिप्लेसमेंट की नहीं बल्कि इन DIYs की ज़रूरत है जो कि आज हम बनाने वाले हैं। यानी कि आज हम कुछ ऐसे DIYs बनाने वाले हैं जो कि आपकी पुरानी टेबल को एक नया लुक देंगे, बिना कोई मेकओवर दिए, बिना उसको रिप्लेस किए, वो भी बहुत ही बजट फ्रेंडली माध्यम से। और साथ ही आज कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग रेजिन ट्राई करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं इतनी मेहनत से बनाएं खरीदें और फिर वो बेकार हो जाए। तो अगर आपको रेजिन आर्ट करने में दिक्कत होती है या आपसे नहीं बन पाता है अच्छे से, तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिमिलर ऑप्शन दिखाऊंगी जो कि काफ़ी हद तक रेजिन जैसा ही दिखता है, बट रेजिन से बहुत इजी है और बहुत फटाफट से भी बन जाता है। बट अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वो आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अगर लाइक नहीं करोगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी, और इतनी ठंड में यार हाथ पैर ठंडे हो गए हैं वीडियो बनाते बनाते, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ वो टाइम पे आपके पास पहुँच सकें। तो बस अब शुरू करते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक कार्डबोर्ड का राउंड बॉक्स, और आप इसकी जगह कोई टिन बॉक्स ले सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक बॉक्स भी इसी तरह का ले सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर एक जेसो का कोट अप्लाई कर दूंगी। जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रीलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। और आज पता है मैं ऑलरेडी एक बार वॉइस ओवर कर चुकी थी और मेरा गला इतना ख़राब था कि मैं बहुत डल साउंड कर रही थी वीडियो में, बट जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको डिलीट की। और अभी मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं वीडियो में थोड़ा सा एनर्जेटिक साउंड कर सकूँ। तो एनर्जेटिक साउंड कर रही हूँ कि नहीं मुझे बताना ज़रूर। तो अभी हम इसके ऊपर पेंसिल से कुछ लाइंस बना लेंगे, और इसके बाद मैं ले रही हूँ क्ले, और क्ले को हम ऐसे पतला पतला बना लेंगे, और जो हमने लाइंस बनाई थी ना उसके ऊपर हम क्ले को अप्लाई करेंगे। तो जो लाइंस हमने बनाई हैं वो बेसिकली मैंने कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से रास्ते बनाए हैं, भूल भुलैया जैसे, तो वैसे ही आपको बना लेना है। तो ये ना इतना ज़्यादा ईजी है कि बड़े आराम से आप बना लोगे और बहुत देखने में अच्छा भी लगेगा। अब इसके ऊपर मैं वाइट चॉक पेंट लेके पेंट कर दे रही हूँ, ताकि जो पेंसिल से लाइंस दिख रही थी वो अच्छे से छुप जाएँ। तो बेस में मैं यहाँ पे वाइट कलर ही रखना चाह रही हूँ, आप कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो। आप ब्लैक यूज़ करोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस DIY में। तो अब इसके बाद मैं जो क्ले वर्क हमने किया था उसके ऊपर पेस्टल शेड से पेंट कर रही हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट पेस्टल कलर्स हमें बना लेने हैं, आपको कोई भी कलर लेना है उसमें वाइट मिक्स कर देना है, तो पेस्टल शेड रेडी हो जाएगा और उन डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको पेंट करना है। एंड ये सच में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा क्लासी भी दिखेगा। अब लास्ट में इसको वार्निश से प्रोटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप इसे टेबल पर रख के डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर्स के साथ, फेक प्लांट के साथ, या फिर आप इसे पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में ही मैंने इतना बखान कर दिया था कि आज हम एक ऐसा DIY बनाएंगे जो कि रेजिन आर्ट की तरह दिखाई देगा। तो उसके लिए मैंने ये किट देखी थी और इसीलिए मैंने ये किट ऑर्डर भी की है। तो सबसे पहले इस किट में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एंड अगर आप बिगिनर हो तो मुझे लगता है कि इस तरह की किट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पहली बार ट्राई करना है तो आप अलग अलग सारी चीज़ें नहीं खरीदो, वरना फिर इतना सारा उसमें क्वांटिटी होता है कि वो बच जाएगा और क्या फ़ायदा है, सारा वेस्ट हो जाए। तो बेसिकली इसमें चार कोस्टर्स मिलते हैं, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्रिलिक शीट्स हैं राउंड शेप में, और इसके ऊपर एक पेपर की शीट लगी होती है आगे पीछे दोनों तरफ, पहले हमें वो निकाल देना है। और बिल्कुल ये ग्लास जैसा दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। तो अब इसमें एक डेकोपाज शीट भी मिली थी, बट वो वाली शीट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, दूसरी यूज़ कर रही हूँ। वो वाली मैं किसी और DIY में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मेरी आदत है इधर का उधर का इधर करते रहने की। तो अब चार सर्कल्स हम कट कर लेंगे इन्हीं कोस्टर के साइज़ के, और आप चाहें तो जैसे ग्लास पेंटिंग करते हैं वैसे इसको पेंट भी कर सकते हैं, या जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। बट डेकोपाज यहाँ पर मुझे लगा बहुत ही ईजीएस्ट मीडियम है इसको दिखाने का, तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ।
और मेरे पास ये डेकोपा शीट रखी हुई थी, तो कभी ना कभी तो यूज़ करना ही है, तो क्यों ना आज ही कर लूँ। तो सबसे पहले हम इस पर डेकोपाज ग्लू लगाएंगे, इसके बाद ये शीट को हम सीधा सीधा नहीं बल्कि उल्टी तरफ से चिपकाएंगे। एंड चिपकाने के बाद एक बार इसके ऊपर से भी हम डेकोपाज ग्लू लगाएंगे। एंड अगर कोई ऐसा है जैसे किट नहीं खरीदनी है, तो अलग से ऐसी ग्लास एक्रीलिक शीट्स आती हैं, आप वो ख़रीद लीजिए। और बाकी का सामान अगर आपके पास है तो कुछ इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो। अभी इसके साथ जो मेटेलिक कलर मिला था उसको मैं एजेस के ऊपर यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ एक स्पॉन्ज की हेल्प से। तो स्पॉन्ज से लगाने से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है और ब्रश के स्ट्रोक्स भी नहीं दिखाई देते हैं। तो अभी हम जो वार्निश थी इसके ऊपर पीछे की साइड से वार्निश भी लगा देंगे। पीछे की साइड से मतलब जो पेपर वाला साइड है वहाँ पे हम वार्निश लगा देंगे, ताकि जो हमारा कोस्टर है वो अच्छे से वाटरप्रूफ हो जाए और इसके ऊपर चाय कॉफ़ी कुछ भी गिरे तो ख़राब नहीं हो। तो हमारे कोस्टर्स तो बनके रेडी हो गए थे, बट अभी उसका फाइनल लुक नहीं दिखाऊंगी। कोस्टर्स को रखने के लिए मैं एक कोस्टर होल्डर भी बनाना चाह रही थी। तो सबसे पहले जो हमारा बॉक्स था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो कोस्टर है उससे थोड़े से बड़े साइज़ का सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, क्योंकि कोस्टर का जो होल्डर है वो उससे थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। तो ऐसे दो सर्कल हमें कट कर लेना है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम चिपका देंगे। तो बेस थोड़ा सा थिक हो इसके लिए मैंने दो कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अब इसी में से मैं पतली पतली स्ट्रिप्स को भी कट कर लूँगी। अब इसे इस राउंड कार्डबोर्ड के चारों साइड हम चिपका देंगे। चार साइड तो नहीं होते वैसे सर्कल में, ठीक है, तो इसके अराउंड हम चिपकाएंगे और ये अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स रहे। इसके लिए हम यहाँ पे मास्किंग टेप भी लगा दे रहे हैं। एंड कुछ इस तरीके से हमारा एक कंटेनर जैसा ये बन जाएगा। आपके पास अगर उसी सेम साइज़ का कोई कंटेनर है तो आप डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसको भी मैं कुछ पेंट वगैरह नहीं करूँगी, बल्कि इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ बर्लैप क्लॉथ का यूज़ कर रही हूँ। ये वो वाला बर्लैप क्लॉथ है जिसके पीछे ऐसे एक प्लास्टिक की शीट लगी रहती है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जो हमारा कंटेनर है उसमें अगर पानी गिरे तो जो कार्डबोर्ड है उसके अंदर तक पानी ना पहुँचे। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको चिपका देंगे। और जो साइड्स हैं इसकी वहाँ पे भी हम एक पतला सा पीस काट के साइड में भी चिपका देंगे। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपने पहले भी देखा होगा मैंने दो तीन बार अलग अलग तरीके से कोस्टर बना के शेयर किया है, एंड फिर भी मेरा कोस्टर बनाने से कभी मन नहीं भरता। और जब भी मैं आइडियाज़ के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे कई तरह के कोस्टर बनाने के नए नए आइडियाज़ आते हैं, और फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, पहले भी एक दो बार कोस्टर बना चुकी हूँ और कितना कोस्टर बनाऊँगी हर बार, तो फिर मैं नहीं शेयर करती हूँ। बट मेरे पास कोस्टर बनाने के अलग अलग आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक और कोस्टर आइडिया शेयर कर ही देती हूँ। तो अब बाहर की साइड में यहाँ पे रोप चिपका रही हूँ, और इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल SH का यूज़ किया है। तो जब भी मैं फेविकॉल SH यूज़ करती हूँ, आप लोग को अक्सर ये डाउट आता है कि मानसी ये तो छूट जाएगा, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो मैं बता दूँ कि मेरे पास ग्लू गन भी है और सिलिकॉन ग्लू भी है, बट मैं सच बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इसी के साथ हूँ, और इससे बनाई हुई चीज़ें मेरी टूटती भी नहीं है। बाकी आपको डाउट है तो आप कोई भी दूसरा ग्लू यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप वो यूज़ करो। तो लास्ट में कुछ डिज़ाइन बना के मैं इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। तो आज के फर्स्ट DIY में भी मैंने काफ़ी सारा क्ले यूज़ किया था, एंड अभी अगेन मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ। एंड इसका रीज़न पता है क्या है, कि मैंने एक पूरा बॉक्स यूज़ किया, मतलब ख़रीदा था क्ले का, और ये बस लास्ट में अब थोड़ी सी क्ले बची है एंड ये अब थोड़ी सूखने लगी है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है, एंड इससे पहले कि सूख के पूरा पत्थर बन जाती मैंने सोचा कि इसको यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। तो देख रहे हो ना ये कितनी ज़्यादा हार्ड हो गई है, और मैंने लगभग 25-30 मिनट आराम से इसको अच्छे से मसल के गूंथा है, तब जाके एक डो इसका रेडी हुआ है और तब जाके दोनों कंपोनेंट्स अच्छे से मिक्स हुए हैं। तो अब जो टैल्कम पाउडर होता है वो मैंने थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया, और इसको हम बेल लेंगे। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसा बॉक्स था मेरे पास ओवल शेप का, उसकी हेल्प से मैं इसको
अच्छे से ओवल शेप दे दे रही हूँ। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप हाथों से भी नॉर्मली ये शेप दे सकते हैं, या आप कोई दूसरा शेप भी बना सकते हैं, लाइक आप नॉर्मल राउंड शेप बना सकते हैं या स्क्वायर बना सकते हैं या कोई हार्ट शेप बना सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक पतली सी स्ट्रिप की तरह भी हम एक क्ले का वो बना लेंगे। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रश में पानी लेके इसकी एजेस पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो टेलकम पाउडर था वो हट जाए वहाँ से, ताकि जो दोनों क्ले है वो आपस में चिपक जाए और ज़्यादा अच्छे से चिपके। इसके लिए इस तरह से मैंने हल्के हल्के कट बना लिए हैं छोटे छोटे से, इसकी हेल्प से क्ले अच्छे से आपस में जॉइन होगी। तो कुछ इस तरीके से हमने एज पे इसको चिपका लिया है। तो आप देख के समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रे बना रहे हैं। आजकल इस तरह की ट्रे बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी, स्पेशली पिंटरेस्ट पे। तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ। तो ये स्पेशली ज्वेलरी रखने के लिए लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपका मन करे। बस देखने में बहुत प्यारी सी लगती है, एस्थेटिक लगती है। तो अब हम इसको पेंट करेंगे। पहले मैंने जेसो का एक कोट अप्लाई कर लिया, इसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी पेंट कर सकते हैं। तो मैंने आधे पार्ट में इसको पिंक कलर से पेंट किया है, बहुत प्यारा सा लाइट पिंक कलर यूज़ किया है। एंड मैं यहाँ पे चॉक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ, आप अगेन एक्रीलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्राफ्टोलॉगर का चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ इसके बाकी के साइड पे। तो क्राफ्टोलॉगर पे आपको इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के चॉक पेंट्स मिल जाएंगे, और MDF कटआउट्स और स्कल्पचर पेस्ट, बहुत सारे जो भी DIY की चीज़ें होती हैं वहाँ से आप ले सकते हो। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है और इनकी वेबसाइट भी है, या फिर डायरेक्टली आप इनके WhatsApp पे भी कॉन्टैक्ट करके चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, तो मेरा कूपन कोड MANSI05 यूज़ करो और 5% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये जो मोज़ैक वाला पैटर्न है ना, इसके लिए लोग वाइट सीमेंट में छोटे छोटे पीसेस डालते हैं कलरफुल, और तब जाके इस तरह का पैटर्न आता है। बट हमने थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया है और ऐसे पेंट करके ही मोज़ैक वाला लुक दिया है इसको। और जो दूसरी साइड है वहाँ पे हम वाइट और ब्लैक कलर को लेके ऐसे स्प्लैश कर देंगे, तो दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था, स्पेशली जो मोज़ैक वाला पैटर्न है वो। अभी पीछे के साइड दिखेगा तो नहीं, लेकिन इतनी कंजूसी भी नहीं करेंगे, पीछे के साइड को भी पेंट कर देंगे। तो इसके लिए मैंने क्राफ्टोलॉगर का ही चॉक पेंट यूज़ किया है। एंड पीछे मैं जेसो अप्लाई करना भूल गई थी, बट ये चॉक पेंट इतने अच्छे हैं कि जेसो की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। इसके बाद मैं क्राफ्टोलॉगर का ही वार्निश यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैट वार्निश यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैट लुक चाहिए था। आप कोई भी ग्लॉसी वार्निश भी यूज़ कर सकते हो। कैसे लगे आपको आज के DIYs मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।